चाहता तो लेख का शीर्षक मैं और चूहा रख सकता था, पर मेरा अहंकार इस चूहे ने नीचे कर दिया। जो मैं नहीं कर सकता वो मेरे घर का ये चूहा कर लेता है। जो इस देश का समान आदमी नहीं कर पाता वो इस चूहे ने मेरे साथ करके बता दिया। घर में एक मोटा सा चूहा है। जब छोटे भाई की पत्नी थी तो घर में खाना बनता था, लेकिन कुछ पारिवारिक दुर्घटनाओं की वजह से हम लोग को बाहर रहना पड़ा। लेकिन इस चूहे ने यह अधिकार मान लिया कि खाना तो उसे इसी घर में मिलेगा। हालांकि ऐसा अधिकार मनुष्य भी अभी तक नहीं मान पाया, चूहे ने मान लिया। लगभग 45 दिन घर बंद रहा। जब मैं अकेला लौटा और दरवाजा खोला तो देखा कि फर्श पे क्रॉकरियां बिखरी पड़ी। शायद चूहे नहीं गिराई, डिब्बों में और क्रॉकरी में खाना ढूंढता होगा, तलाशता होगा, और जब उसे कुछ नहीं मिलता होगा तो पड़ोस से जाके कुछ खा लेता होगा और जिंदा रहता होगा। पर घर उसने नहीं छोड़ा, उसने इसी घर को अपना घर मान लिया था। जब मैं घर में घुसा और बत्ती जलाई तो मैंने देखा कि चूहा खुशी में इधर से उधर दौड़ रहा है। शायद सोच रहा होगा कि अब इस घर में भी खाना बनेगा, डिब्बे खुलेंगे और उसकी खुराक से मिलेगी। वो दिन भर चहकता हुआ पूरे घर में घूमता रहा। मैं उसे देख रहा था, उसकी खुशी से मुझे अच्छा ही लगा, पर खाना बनना शुरू नहीं हुआ। मैं अकेला था, पास में जो बहन रहती उनके यहाँ जाके दोपहर का खाना खा लेता था, और रात को देर से खाता हूँ तो वो डिब्बा भिजवा देती थी। मैं खाना खाकर डिब्बा बंद करके रख देता, लेकिन इससे मिस्टर चूहारा निराश हो गए। सोचते होंगे कि ये कैसा घर है, आदमी है, रोशनी है, पर खाना नहीं बनता। अरे खाना बनता तो कुछ दाने के टुकड़े या रोटी के टुकड़े उसे मिल जाते। मुझे एक नया अनुभव हुआ। रात को चूहा बार बार मेरे सर के पास आ जाता और मच्छरदानी पे चढ़ के कुड़कुड़ाता। रात में कई बार मेरी नींद टूटी, उसे बार बार भगाता और बार बार आ जाता वो, और मेरे सर के पास हलचल भी नहीं होता। वो भूखा था, मगर उसे सर और पैर की समझ कैसे आई? कभी पैर के पास आके गड़बड़ नहीं करता था, वो हमेशा सर के पास आता और हलचल करता। एक दिन मच्छरदानी में घुस गया। मैं बड़ा परेशान कि क्या करूं, इसको मारूं और ये अलमारी के नीचे जाके मर गया तो इसकी बदबू पूरे घर में फैल जाएगी, और इसके बाद दीवारें अलमारी को उठा के इधर से उधर रखना। मिस्टर चूहा राम दिन भर बड़बड़ाते और रात को मुझे तंग करते, मतलब जैसे मुझे नींद आती मेरे कान के पास चले आते और हलचल करने लगते। तो एक दिन मुझे समझ में आया कि वो धोखा है, उसने उस घर को ना अपना घर मान लिया है। वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। रात को मेरे सराहने आके शायद यही कहता होगा कि वे आ गया तू है, तो भरपेट खाना खा रहे हैं, मैं भूखा मर रहा हूं, मैं भी इस घर का सदस्य हूं, मेरा भी हक है। संतरी रातों नींद हराम कर दूंगा। तब जाकर मैंने उसकी नाक को लेकर एक रात मैंने खाने का डिब्बा खोला और पापड़ के कुछ टुकड़े फर्श पे ऐसे बिखेर दिए। चूहा कहीं से निकला और एक एक करके उन टुकड़ों को अलमारी के नीचे ले गया और खाने लगा। एक दिन मेरी बहन ने खाने के डिब्बे में चावल के पापड़ भेज दिए। मैंने कुछ टुकड़े उसके फर्श पे उधर बिखेर दिए। चूहा आया, उनको सूंघा लेकिन खाया नहीं, वापस लौट गया। चूहे को चावल के पापड़ नहीं पसंद है, उसकी पसंद से चमत्कार रह गया। फिर मैंने रोटी कुछ टुकड़े फर्श पे डाल दिए
वो आया उन्हें उठा के ले, लेकिन इससे इनकी भूख नहीं शांत हुई। खाना खाने के बाद मैंने रोटी कुछ टुकड़े और फर्श पर डाल दिए और जब सुबह उठा तो गायब, सब ले जाके खा चुके हैं। अभी रोजमर्रा काम हो गया था, अब मैं चैन से सोता और चूहा भी मेरे पास आके गड़बड़ नहीं करता। फिर एक दिन कहीं से अपने दोस्त को ले आया, बोला होगा चल रहे मेरे साथ उस घर में। उस रोटी वाले को मैंने तंग करके परेशान करके खाना निकलवा लिया। तो खाना देगा उसका बाप देगा, हमारा हक है। अब दोनों चूहे राम मुझे में खा रहे हैं, मगर मैं सोचता हूं कि आदमी क्या चूहे से बदतर हो गया है। चूहा तो अपने हक की रोटी के लिए सर पर चढ़ जाता है, रातों की नींद हराम कर देता है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا